और बड़ी खबर आपको बता दें, अग्निपथ योजना को लेकर भ्रम फैलाया जा रहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, साथ ही कहा कि गुमराह करने वालों को सैनिकों की फिक्र नहीं। हमारे लिए सेना मतलब 140 करोड़ देशवासियों की आस्था, हमारे लिए सेना मतलब 140 करोड़ देशवासियों की शांति की गारंटी, हमारे लिए सेना मतलब देश की सीमाओं को सुरक्षा की गारंटी। अग्निपथ योजना के जरिए देश ने इस महत्वपूर्ण सपने को एड्रेस किया है। अग्निपथ का लक्ष्य सेनाओं को युवा बनाना है, अग्निपथ का लक्ष्य सेनाओं को युद्ध के लिए निरंतर योग्य बनाए रखना है। से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऐलान, अग्निपथ देश के लिए साफ तौर पर कर दिया, अग्निपथ का लक्ष्य सेना को युवा बनाना है, यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है। बड़ी खबर, जो संबोधन वहां पर हुआ उसकी बड़ी बातें आपकी टीवी स्क्रीन पर, कारगिल दिवस पर सीधे कारगिल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि देश में अग्निपथ योजना चलती रहेगी, इसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा, यह साफ साफ कह दिया है। और योजना का लक्ष्य सेना को युवा बनाना है, सेना को युद्ध के लिए निरंतर योग्य बनाए रखने की योजना है अग्निपथ। प्रधानमंत्री ने सीधे सीधे विपक्ष को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि कुछ लोग सेना के रिफॉर्म पर सवाल उठा रहे हैं, अग्निपथ योजना से देश की ताकत बढ़ेगी, अग्निवीरों के लिए प्राइवेट और पैरामिलिट्री फोर्सेस में प्राथमिकता मिल रही है। आज पीएम मोदी ने यह भी साफ कर दिया कि अग्निपथ योजना में पेंशन की कोई व्यवस्था नहीं है और ना कभी होगी। हमारे लिए सेना मतलब 140 करोड़ देशवासियों की आस्था, हमारे लिए सेना मतलब 140 करोड़ देशवासियों की शांति की गारंटी, हमारे लिए सेना मतलब देश की सीमाओं को सुरक्षा की गारंटी। अग्निपथ योजना के जरिए देश ने इस महत्वपूर्ण सपने को एड्रेस किया है। अग्निपथ का लक्ष्य सेनाओं को युवा बनाना है, अग्निपथ का लक्ष्य सेनाओं को युद्ध के लिए निरंतर योग्य बनाए रखना है। दुर्भाग्य से राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े इतने संवेदनशील विषय को कुछ लोगों ने राजनीति का विषय बना दिया है, कुछ लोग सेना के इस रिफॉर्म पर भी अपने व्यक्तिगत स्वार्थ में जुट की राजनीति कर रहे हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने सेनाओं में हजारों करोड़ के घोटाले करके हमारी सेनाओं को कमजोर किया। ये वही लोग हैं जो चाहते थे कि एयरफोर्स को कभी आधुनिक फाइटर जेट न मिल पाए। ये वही लोग हैं जिन्होंने तेजस फाइटर प्लेन को भी डिब्बे में बंद करने की तैयारी कर ली थी। साथियों, सच्चाई यह है कि अग्निपथ योजना से देश की ताकत बढ़ेगी,